हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी मैं हूँ खूबसूरत से गांव मलारी। अभी मैं आया हूँ माँ हीरामणि मंदिर में। तो जहाँ भाई 5 अगस्त से होने वाला है सत्यंडी महायज्ञ का आयोजन। यहाँ पे यज्ञ को सफल बनाने के लिए यहाँ पे गांव के सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पे वर्क पे। यहाँ पे पंडित जी के लिए तंबू वगैरह, रहने के लिए, खाने के लिए सारा व्यवस्था हो रहा है। तो किस तरह का मूवमेंट यहाँ पे बना हुआ है तो आपको आज दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। और यहाँ पे माँ हीरामणि के टेंट हाउस भी लग चुके हैं और लग रहे हैं। ऑलमोस्ट आज रात कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे सारा वर्क। तो किस तरह का वर्किंग हो रहा है आज हमारे यहाँ गांव वालों के द्वारा, तो आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में नए हो आप तो सब्सक्राइब करें, तो आपको महायज्ञ का सारा अपडेट मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो। यहाँ से देखिए भाई नज़ारा कुछ इस तरह से, गेट बन चुका है यहाँ पे वेलकम। और यहाँ पे होने वाला है व्यास के द्वारा प्रोग्राम, यानी प्रवचन वगैरह। और यहाँ होगा नीचे यज्ञ होम। तो गाइज, यहाँ पे माँ हीरामणि टेंट हाउस का टेंट फिटिंग हो रहा है और यहाँ साथ में मंदिर का भी भाई वर्किंग चल रहा है। जो भी यहाँ पे हवन वगैरह पूजा का सामान सब ऐड हो रहा है। तो दिखाता हूँ नज़ारा किस तरह का है भाई सीन। तो भाई यहाँ पे टेंट हाउस लग ही रहा है। तो और यहाँ पे गांव के जितने युवा आए हुए हैं हमारे, तो अभी लगे हुए हैं यहाँ पे अंदर सजाने में। तो दिखाता हूँ आगे जाके क्लोज। ये देखिए भाई, हमारे गांव के जितने भी भाई लोग हैं लगे हुए हैं अपने वर्किंग पे। और अभी ये अभी स्टार्टिंग चल रहा है काम। आज 4 तारीख है अगस्त का, तो 5 तारीख यहां पे फाइनल लुक आ जाएगा यहां पे पूरा सेटअप का। और यहां पे आगे पंडित जी वगैरह भी अपना वर्किंग कर ही रहे हैं कल के लिए भाई, फाइनल लुक होना है। और कल 5 तारीख को होने वाला है कलश यात्रा मल्लारी से मंदिर तक। तो किस तरह का सीन रहेगा वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी भाई कुछ इस तरह से हो रहा जबरदस्त सीन, ये देखिए भाई। तो गाइज, यहाँ पे बन रहा है ब्लैक टी। और यहाँ पे जितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं हमारे गांव के, तो उनको भाई यहाँ पे हमको सेवा देना है ब्लैक टी का। तो ये हमें भाई धीरू भाई भी लगा हुआ है, तो अब हम पिलाने वाले हैं। सब वर्किंग पे हैं जो काम कर रहे हैं भाई बंधु, उनको पिलाने वाले हैं ब्लैक टी। तो चलो भाई लेट्स गो। तो यह है गाइज राशन भंडार गांव के जितने भी कार्यकर्ता होंगे यहां पे मंदिर में काम करने वाले रात दिन, तो भाई उनके लिए यहां पे राशन रखा हुआ है। और यहां पे पंडित जी लोगों को भी वहां पे अलग कमरे में दे दिया गया है सामान। तो गाइज, सतचंडी महायज्ञ में मचने वाला है तहलका धमाल। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, लेट्स गो। और यहाँ पे देखिए भाई तंबू लग रहे हैं, आर्मी वाले तंबू यहाँ पे पंडित जी के लिए। तो किस तरह का फ्रेम है ये आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी तैयार हो रहा है, लगे हुए हैं हम गांव के लोग सारे। तो अभी 2-3 तंबू बन के ओके हो चुके हैं और अभी ये लास्ट बनना बाकी है। तो किस तरह से लास्ट में बन के तैयार हो जाता है तंबू, तो आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो। देखिए गाइस, यहाँ पे बन चुका है एक टेंट रहने के लिए। और यहाँ पे अभी लगा हुआ है भाई कंटिन्यू काम वर्किंग पे। तो कुछ इस तरह से सेटअप बन चुका है और अभी आपको ले चलता हूँ अंदर की ओर। अभी भी लगे हुए हैं यार, ये काम नहीं होना है यार रात भर। ये देखिए भाई, अभी मैं आपको ले चलता हूँ अंदर की ओर। और ये देखिए भाई, यहाँ पे स्टेज बन चुका है, यहाँ पे व्यास के द्वारा प्रवचन वगैरह वगैरह होगा। और यहाँ से नीचे आप देख रहे होंगे माँ हीरामणि का प्रांगण सज चुका है, जहाँ की होने वाला है यज्ञ। और यहाँ पे भी चल रहा है अभी पूरा यज्ञ सामग्री वगैरह जो जो एस्टिमेट आने हैं वहाँ पे, तो लगे हुए हैं यहाँ पे पंडित जी लोग। और यहाँ पे देखिए भाई सेटअप कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है और फाइनल लुक आ जाएगा इसको यहाँ पे 5 अगस्त को, जब यहाँ पे व्यास महाराज बैठेंगे। और यहाँ पे देखिए भाई नेचुरल फूल भी यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखिए भाई। और ये देखिए भाई, यहाँ पे भी बन चुके हैं 2 टेंट। ये देखिए भाई मस्त वाटरप्रूफ कुछ इस तरह से बनके तैयार हो चुका है ये। और अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ किस तरह का भाई है। ये देखिए भाई साहब मस्त, यहाँ पे पंडित जी लगे हुए हैं भाई पूरा वर्किंग पे। तो गाइज, यहाँ पे से कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है भाई माँ हीरामणि मंदिर का प्रांगण और पूरा वाटरप्रूफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सज चुका है जबरदस्त माँ हीरामणि मंदिर। और यहाँ पे देख रहे होंगे भाई
टेंट वगैरह एकदम कस चुके हैं झकास। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको 5 अगस्त को भव्य महायज्ञ के साथ कलश यात्रा। Thank you.